सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज 11 में वैलोरेंट का एरर आ रहा है, वैलोरेंट वैन 1067, तो इस एरर को जो है कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, आप जो है स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है यहाँ पर वैलोरेंट जो है टास्क बार में से एंड कर देना है। आपको यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए स्टार्ट मेन्यू के ऊपर, उसके बाद आपको जो यहाँ पर टास्क मैनेजर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रिवोट क्लाइंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर, इसको जो है आपको राइट क्लिक करना है। फिर आपको जो यहाँ पर एंड टास्क के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको जो है इस विंडो को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको जो है विंडोज 11 के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज, इसके ऊपर आप जो है क्लिक कीजिए, सर्विसेज जो है यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है VGC, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको जो है आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कर यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टअप टाइप जो है यहाँ पर मैनुअल है, तो आप जो है इसको ऑटोमेटिक सेट कीजिए यहाँ पर। उसके बाद आप जो है यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आप जो है थोड़ा सा वेट कीजिए यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है इस विंडो को क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है विंडोज 11 के सर्च बार में जो है आपको टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट, तो आपको जो है यहाँ पर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर टाइप करना है /DNS, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है इस तरीके से टाइप करने के बाद आपको जो है यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर कमेंट प्रॉम्प्ट को जो है एग्जिट कर देना है। उसके बाद आप अपने PC या लैपटॉप को जो है एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, फिर आपके पास वैलोरेंट में जो है विंडोज 11 में ये एरर नहीं आएगा। दोस्तों इस तरीके से जो है आप इजिली इस एरर को रिमूव कर सकते हैं विंडोज 11 में से। उम्मीद है आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें ना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।